नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। नगर आयुक्त के खिलाफ ठेला पटरी व्यवसायियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बारिश और जल जमाव के बावजूद ये लोग सड़क जाम कर बैठ गए और नगर निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लगातार नारेबाजी और भारी संख्या की भीड़ देखते हुए नगर आयुक्त मौके पर पहुंची और धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन देते हुए व्यापारियों द्वारा किए गए ज्ञापन को स्वीकार किया। को सुने और वह आवाज यदि आपने दबा दिया तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी ठेला पटरी व्यवसायियों को देखो और अगर इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया तो इस धरती पर मानो नहीं ऊपर बैठने वाला ईश्वर और भगवान भी आपको कभी जीवन में माफ। मैं फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह सात प्रिय कामयाबी में परिवर्तित होगी। मैं अभी आपके नेता ने साई है, ठेला पट्टी बेसाई है, लेकिन जो 250 जारी किया गया ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं कार चलानी शहर के किया गया, लेकिन शहर सर वर्तमान में शहर भर के जो ठेला पटरी वाले उन ठेला पटरी वालों के साथ क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज महोदय, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी महोदय शहर भर के ठेला पट्टी वालों को हटा रहे हैं और इस तरीके से हटा रहे हैं कि सर चार चार घंटा ले जाके थाने पे बैठा दे रहे हैं, उनका तराजू रख ले रहे हैं सर, उनका ठेला पलट दे रहे हैं। इतनी बेरहमी से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है सर। दफा 34 के तहत हमारी चलान कर दी जा रही है। वो दफा 34 के अंतर्गत जो हमारी चलान की जा रही है तो बहुत से ऐसे ठेला पटरी वाले हैं जिनके ऊपर 151 का मुकदमा भी कर दिया जा रहा है सर। और दूसरी पीड़ा थी सर, आपके द्वारा शहर भर के ठेला पटरी वालों का सत्यापन वर्तमान में कराया जा रहा है नगर निगम प्रशासन द्वारा सर। पांचों जोन के सभी जोनल अधिकारियों के साथ शहर भर के ठेला पटरी वालों का सत्यापन किया जा रहा है सर। हमारे शहर में जो 24,472 लोगों की संख्या है, अगर सर बताइए ये लोग वहाँ पे दुकान नहीं लगाएंगे तो इनका सत्यापन संभव नहीं है। और जब सत्यापन संभव नहीं है तो नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन यही कहेगा कि शहर भर में 2000 वेंडर हैं, इन्हीं 2000 वेंडर की व्यवस्था हम करेंगे। सर मेरा आग्रह है कि जब तक सत्यापन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से संपन्न ना हो जाए तब तक हम ठेला पटरी वालों को अपनी आजीविका वहां पे चलाने दिया जाए और एक टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुला के शहर भर के लोगों को निर्देशित करें। जिलाधिकारी को बुलाइए ताकि उनको भी इस बात से अवगत कराया जा सके कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की इसकी जिलाधिकारी स्तर पर अब तक बात होनी चाहिए। आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, परेशानियां हैं, उसको समझा गया और जो वेंडिंग जोन की कमेटी है उसमें पुलिस और संबंधित विभाग हैं सब लोगों के साथ आप लोगों की बैठक करके इसका समाधान कराया जाएगा ताकि किसी तरह का उत्पीड़न और परेशानी अनावश्यक ना हो। ठीक, इसका समय निर्धारित कर दिया जाए। बस अभी बात करके हो जाए। हाँ, इसी सब एक सप्ताह के अंदर बैठक उसमें जिलाधिकारी महोदय मौजूद रहे। अभी से
हम लोगों ने जो हमारी टाउन हॉलिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें शहर के सभी सक्षम अधिकारी उपस्थित होते हैं, उनके कमेटी के अध्यक्ष हमारे नगर आयुक्त साहब होते हैं, लेकिन उन सक्षम अध्यक्ष होने के बावजूद शहर भर में जो हमारे ठेला पटरी वालों के साथ थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा जो शहर भर में उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है और उनके ऊपर दफा 34 की चलान और फर्जी मुकदमा ला दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज शहर का 5000 ठेला पटरी वाला अपने अध्यक्ष माननीय नगर आयुक्त साहब के पास मिलने गया था, अपनी पीड़ा को बताने गया था, जिसके बाद नगर आयुक्त साहब ने तत्काल इस प्रदर्शन को देख के, इस पीड़ा को देख के, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने ऊपर से नीचे आने का काम किया और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया कि एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण जो भी समस्याएं हैं शहर पर के जनपद के जितने सक्षम अधिकारी हैं उनसे हम वार्ता करके इस पे रोक लगाने का काम करेंगे। और हम लोग ने यहां तक बता दिया कि साहब अगर इस चीज का की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द से जल्द अगले हफ्ते ये 5000 की संख्या 25000 में जिलाधिकारी के पास भी जाने का काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रेडिशनली जहाँ पटरी फेरी वाले लोग दुकान लगाते थे वहाँ कोई निर्माण के काम शुरू हो गए तो वहाँ से हटना पड़ता है, फिर यातायात या अन्य बाधाओं के कारण भी हटना पड़ता है, इनसे इनको परेशानी होती है और शहर के यातायात और सुव्यवस्था के दृष्टिगत से अलग अलग समय में वेंडिंग नो वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। तो नो वेंडिंग जोन में भी पहले से ट्रेडिशनली ये लोग अपना ठेला लगाकर या पटरी पर रहकर काम करते थे, तो उससे अब हटना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो इसमें पुलिस के साथ, डूडा के साथ और प्रशासन के साथ और इनकी जो संगठन है उनसे बैठकर हम लोग एक समाधान निकालेंगे ताकि शहर की यातायात की व्यवस्था भी ठीक रहे, नो वेंडिंग जोन में ना लगे और कौन कहाँ कहाँ लग सकता है उस जगहों को हम लोग चिन्हित भी कर देंगे ताकि उन लोग जगहों पर ये लगाकर अपना व्यवसाय करें, कारोबार करें और कोई परेशानी किसी को ना हो। ठीक है।